हेलो दोस्तों, मैं हूँ संदीप और आप हमें देख रहे हो संदीप टेक दोस्त पर। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना चैनल कैसे स्टार्ट कर सकते हैं टैग कैटेगरी में। जी हाँ दोस्तों, काफी लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि संदीप भाई, आपने जब स्टार्ट किया था तो अपने चैनल को किस कैटेगरी से स्टार्ट किया था और जो अभी आप टैग कैटेगरी में वीडियो बना रहे हो, जिसकी अभी मैं है ना, मेरे चैनल की जो कैटेगरी है ना टैग है, यानी कि मैं टेक्निकल वीडियो डालता हूँ। तो आप में से काफी लोगों ने ये चीज मुझसे पूछी, ये सवाल किया कि संदीप भाई, आपने जो चैनल अपना स्टार्ट किया था वो कहाँ से स्टार्ट किया था, मतलब किस कैटेगरी पे पहले गए थे और किस तरीके से आपने वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया था। तो इस तरीके से काफी मुझे क्वेश्चन मिले, तो मैंने सोचा इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो बना देता हूँ और वीडियो बनाने के बाद में सबको पता चल जाएगा कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था। और लेकिन जो लोग नए हैं टैग कैटेगरी में चैनल को स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको भी काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और वो भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि मुझे भी कहां से स्टार्ट करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, सब समझ जाएंगे। तो इसीलिए मैंने फुल वीडियो बनाने के लिए सोचा, तो इसीलिए मैं इस वीडियो में सब चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना, तभी आपको फुल वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों अब मैं आपको सब चीज बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, मैंने अपने चैनल को कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया और अभी तक कहाँ पे पहुंचा, तब उसके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने जब अपने चैनल को स्टार्ट किया था, वीडियो अपलोड करना अपने चैनल के ऊपर शुरू किया था, तो मैं दोस्तों वहां पर कुछ पेटीएम से रिलेटेड, मैं काफी एप्लीकेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता था अपने चैनल के ऊपर। तो मैं सबसे पहले आपको वो दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखते हो मैं यूट्यूब पे चलता हूँ, यहाँ पर मैं अपना चैनल सर्च करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ संदीप टेक दोस्त, मैंने सर्च किया, यहाँ पर मैं चैनल के लोगो पे अब क्लिक करता हूँ और अब मैं यहाँ पर वीडियोस पे क्लिक करता हूँ। वीडियोस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं ओल्डेस्ट पे क्लिक करता हूँ, क्लिक किया तो यहाँ पर अभी देखते हो ये मैं इस तरीके से वीडियो अपलोड करता था, मुझे ना थंबनेल बनाना पता था ना कुछ ही नहीं पता था, यहाँ पर देखते हो। और इस तरीके से मैं पेटीएम, ओके क्रेडिट और ये व्हाट्सएप, माई एयरटेल, ये मेरे वीडियो पर आए व्यूज, जियो कॉल कैसे फॉरवर्ड करें, तो इस तरीके से मैं वीडियो डालता था। इन पर व्यूज वगैरह नहीं मिलते थे, देखते हो आपके सामने जो भी है 10, 12, 13, 28 इस तरीके से दिख रहे हैं, 54 by 3 इस तरीके से दिख रहे हैं ना, मेरे चैनल के ऊपर व्यूज आते थे। आप में से काफी लोग सोचते हैं कि मेरे चैनल के ऊपर व्यूज भी बहुत अच्छे खासे आते थे जब मैंने स्टार्ट किया था, तब नहीं था कुछ भी ऐसा। जैसा आप आज फेस कर रहे हो वैसा मैं पहले भी फेस करता था, हालांकि ये बात पहले जरूर थी कि पहले 20-25 वीडियो डालने के बाद आपकी 100 वीडियो सर्च में जरूर चली जाती थी, लेकिन अभी के टाइम पर कुछ इस तरीके का सीन है, आप 50-60 वीडियो डाल लोगे तब उसमें से 1-2 वीडियो सर्च में जा सकती है, नहीं तो वो भी नहीं जा सकती है। ये नहीं सर्च में चली जाएगी तो दबा के व्यूज लेके आएगी 1-2 लाख, ये एक बराबर उस पर व्यूज आते रहेंगे 2-4-5 हर घंटे में, 1-2-3-4-5 इस तरीके से। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं तो ये टेक्निकल कंटेंट आपको दिखाई दिया, लेकिन अब मैं आपको बता दूं आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। आप टेक्निकल चैनल पे टेक वीडियो डालना चाहते हो तो आप कैसे कर पाएंगे? तो दोस्तों टेक्निकल कंटेंट में कई सारे कंटेंट आते हैं, बहुत सी चीजें आती हैं। अब दोस्तों अगर आप YouTube से रिलेटेड बनाना चाहते हैं तो आप अब शुरू करना चाहते हैं, तो अगर आपको अच्छा खासा ज्ञान है, तो आपको ऐसा लगता है इस चीज के बारे में मुझे अच्छी तरीके से पता है और वीडियो बनाने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हिचकिचाहट नहीं होगी, तो आप उससे बना उस पर बना के वहां से भी डालना शुरू कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पर है ना वो वीडियो चलती है जो जिस वीडियो में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया हो, जैसे कि कोई ऑडियंस आपकी वीडियो को क्लिक कर ले वो उस वीडियो पे देखती रहे, और जितना ज्यादा देखेगी उतना ही ज्यादा आपका वीडियो वायरल होगा, क्योंकि ऑडियंस रिटेंशन से वीडियो वायरल होता है और थंबनेल पे लोग क्लिक करते हैं, तो मैटर सभी का होता है वीडियो वायरल करने में, थंबनेल का भी और टाइटल का भी, टाइटल लिखेंगे तो सर्च में आएगी और जितना ज्यादा देखेंगे लोग उतनी ज्यादा आपकी ऊपर सर्च में जाएगी लोगों के पास, तो मैटर सभी का होता है वायरल करने में वीडियो। तो आप टेक्निकल चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब यूट्यूब का पूरा आपको कोर्स ही करना पड़ेगा उसके बाद में ही आप स्टार्ट कर पाएंगे, मतलब एक सीरियल बाय पार्ट 1 पार्ट 2 करके चले
तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, आप किसी भी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, सिर्फ आपको नॉलेज होनी चाहिए भाई। यहाँ पर नॉलेज की तो बात है, ऐसा नहीं आप वीडियो बना रहे हैं फिर हिचकिचा जा रहे हैं या फिर किसी तरीके से बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ भी नहीं, तब तो भाई आपकी वीडियो नहीं चलेगी पक्का। क्योंकि टेक्निकल में इतना कंपटीशन होता है, इतना कंपटीशन है कि अगर जरा भी हिचकिचा कर आप वीडियो बनाओगे तो आप पीछे रह जाओगे, आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। वो भी खासकर यूट्यूब कैटेगरी वालों को बता रहा हूँ, जो यूट्यूब कैटेगरी के बारे में टिप्स एंड टिप्स देना चाहते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। इस फील्ड में इतना कंपटीशन है, अगर आप वीडियो डालोगे तो आपकी 0 पे रुकी रह जाएगी, बहुत मुश्किल है ग्रो करना। लेकिन मैं फिर एक बार आपको बोलूंगा, आप वीडियो कोई भी बना सकते हो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मतलब पूरा, जैसे कि आप आज थंबनेल बनाना सिखाओ, कल आप वीडियो अपलोड करना सिखाओ, वीडियो रिकॉर्ड करना सिखाओ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जब भी इस चैनल के ऊपर कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।